हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे मनी प्लांट्स रखे हुए हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या होने वाला है। तो बस बने रहिएगा फ्रेंड्स शुरू से लेकर एंड तक। और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है बहुत सारे मनी प्लांट के प्लांटर्स यहाँ इकट्ठा करके रखे हुए हैं। वैसे तो ये मेरे घर के अलग अलग जगह पे यानी कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, लेकिन आज सिर्फ वीडियो बनाने के मकसद से मैंने इनको यहाँ लाके रखा है। और पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह जो है मेरे कमरे में लाइट आती है इस तरफ से वेस्ट फेसिंग, तो दोपहर से लेके शाम तक इस तरफ बहुत रोशनी रहती है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती है मेरे रूम में। तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करे हैं और लाइट तो चाहिए ही होती है हर प्लांट को। इसी तरह हमारे मनी प्लांट को भी लाइट अच्छी लगती है, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है कि ये लो लाइट में भी बहुत आसानी से चल जाता है फ्रेंड्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। ये जितनी भी इम्प्योरिटीज हमारे घर के अंदर होती हैं वो सब एब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन देता है राउंड द क्लॉक। तो इस प्लांट को आपको जरूर लगाना चाहिए अपने घर के अंदर। जमीन में तो हम इस प्लांट को लगाते ही रहते हैं और आप सब भी जानते हैं कि इसको पानी में भी बहुत आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है। और मैं कहूंगी कि अगर कोई गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहता है तो वो इस प्लांट से शुरुआत करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत आसानी से कोई भी ग्रो कर सकता है, चाहे वो सॉइल में हो या पानी में हो। लेकिन अगर वो पानी में प्रोपोगेट करने से शुरुआत करेगा तो थोड़ा सा उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो जरूर जो है इसमें सक्सेस भी पाएगा और फिर आगे जाके दूसरे प्लांट्स के साथ भी इसी तरह उनको ग्रो करने ट्राई करेगा। तो आज जो है मैं आपको मनी प्लांट पानी में किस तरह ग्रो कर सकते हैं वो आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह मैंने जो है इनको अलग अलग कंटेनर्स में लगाया हुआ है। तो बहुत ही आसान होता है मनी प्लांट को कटिंग्स के थ्रू पानी में प्रोपोगेट करना, ग्रो करना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ कटिंग्स जो है 2 हफ्ते पहले लगाई थी। ये देखिए इस तरह, अगर आप चाहें तो लंबी लंबी कटिंग्स ले सकते हैं, 4 या 5 6 नोड जिसमें हो। तो ये देख सकते हैं इस तरह, ये देखिए यहाँ पे मैंने कट लगाया था और एक लंबी कटिंग लेके 2 टुकड़े करके रखे थे इसके अंदर। तो ये एक कटिंग है और ये एक कटिंग है और इसमें आप देखिए ऊपर तो ऑलरेडी इतने पत्ते आ चुके हैं, नए पत्ते जहां से मैंने कट लगाया था वहीं से उसी नोड में से ये देखिए कितने सारे न्यू लीव्स निकल आए हैं। साथ ही साथ आप ये देखिए इनमें रूट्स कितनी अच्छी ग्रो हो रही है, नीचे से आप क्लियरली देख सकते हैं कितने अच्छे से इनमें रूट डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरह आप बहुत आसानी से जो है मनी प्लांट की कटिंग्स, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो या सिंगल नोड की हो, इस तरह ये देखिए एक सिंगल लीफ मैंने लगाई थी पानी में, आप देख सकते हैं ये एक ही नोड है इस पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें रूट्स भी निकल आई हैं और ये छोटा सा जो आपको ये पत्ता दिखाई दे रहा है ये नई लीफ है इसमें। तो इस तरह अगर आप चाहें तो सिंगल लीफ से भी इनको पानी में बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक और बॉटल है, इसमें भी मैंने सिर्फ सिंगल लीफ की कटिंग्स रखी थी पानी में और ये देखिए आप देख सकते हैं ये रूट्स कितने अच्छे से ग्रो हो रही हैं। साथ ही साथ ये जो आपको पत्तों के नीचे छोटे छोटे नए शाइनी लीव्स दिखाई दे रहे हैं ये सब नए लीव्स हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से चल गई हैं मेरी लीफ कटिंग्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़े पुराने हैं मेरे वाज और ये देखिए छोटे से बहुत ही नैरो माउथ के वाज में मैंने ये कटिंग्स लगाई हुई हैं और ये रूट्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इनमें डेवलप हो गई हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो इस तरह आप जो है बहुत ही आसानी से मनी प्लांट की कटिंग्स जो हैं पानी में ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंटेनर हो, आप प्लास्टिक के कंटेनर में या ग्लास के कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप जो है ग्लास के कंटेनर में इनको ग्रो करें, क्योंकि प्लास्टिक में क्या होता है फ्रेंड्स, पानी बहुत जल्दी गर्म भी होने लगता है और उसमें एक अजीब सी गंदी सी स्मेल भी आने लगती है, फंगस बहुत जल्दी उसमें डेवलप हो जाता है। लेकिन ये चीज़ जो है आपके ग्लास के कंटेनर में नहीं होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक और मेरा मनी प्लांट का प्लांटर है और इसके अंदर भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स, 2-3 ही कटिंग्स हैं और मैं आपको इनके रूट्स दिखाती हूँ। ये देखिए,
ये देखिए कितने अच्छे से इनमें रोड्स डेवलप हो गई हैं। आप चाहें अगर आपका कंटेनर ट्रांसपेरेंट है तो आप इसके अंदर कलरफुल पेबल्स कुछ भी अच्छे से नीचे से डाल के एक अट्रैक्टिव लुक भी दे सकते हैं अपने कंटेनर्स को। मुझे जो है अपने कंटेनर्स ऐसे ही प्लेन अच्छे लगते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी कितनी छोटी छोटी बॉटल्स में मैंने एक एक कटिंग लगाई है और ये सब कटिंग्स बहुत अच्छे से चल रही है। ये देखिए इनकी रूट्स फ्रेंड्स, तो इस तरह आप भी ग्रो कर सकते हैं इनको पानी में। ये देखिए एक पुराना सोप डिस्पेंसर था तो उसको मैंने इस तरह कन्वर्ट कर दिया प्लांटर में। और यहाँ पे भी देखिए ये भी मेरा एक बॉटल में लगा हुआ है। ये देखिए इनकी रूट्स फ्रेंड्स, तो इस तरह आप जो है मनी प्लांट को बहुत आसानी से पानी में प्रोपगेट कर सकते हैं और इनको ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए होती है। ये लो लाइट में भी बहुत अच्छे से चलते हैं, फ्रॉम ब्राइट लाइट टू लो लाइट, एनी लाइट कंडीशन यू गिव देम घर के अंदर ये बहुत आराम से ग्रो हो जाएंगे। बस यही बात है कि कोई भी ऐसा प्लांट नहीं होता जो बिगर सनलाइट के ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाए या सर्वाइव कर पाए। तो आप कोशिश यही कीजिए कि हर हफ्ते 10 दिन के अंदर 10 दिन में जो है आप अपने प्लांट्स को एक बार एक दिन जरूर धूप में रखें, अच्छी रोशनी में रखें ताकि ये अच्छे से सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके और अपनी ग्रोथ अच्छे से कर सके। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आपके मनी प्लांट को अच्छे से ग्रो होने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो है अपने मनी प्लांट का जो वाटर है उसे हफ्ते 10 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में एक बार जरूर चेंज करना है। आप चाहें तो इसका पूरा पानी चेंज कर सकते हैं या तो आप इसका आधा पानी फेंक के आधा पानी इसमें दोबारा से भर सकते हैं। और एज सच जब हम किसी भी प्लांट को या मनी प्लांट को सॉइल में लगाते हैं तो हमें इनको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करना पड़ता है। इनके साथ ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना होता है फ्रेंड्स, बस इनके लिए पानी ही काफी होता है। लेकिन एक फर्क पड़ जाता है, जब आप मनी प्लांट को पानी में ग्रो करते हैं तो इनकी लीव्स उतनी बड़ी नहीं हो पाती जितनी हम जो है सॉइल में ग्रो करने के बाद इनकी लीव्स को ग्रो कर सकते हैं। तो यही एक बात है कि इनकी लीव्स उतनी बड़ी नहीं होंगी लेकिन फिर भी ये प्लांट आपका बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और थोड़ी बहुत जो इसकी स्पीड है कंपेयर्ड टू प्लांट्स पॉटेड इन सॉइल जो है थोड़ी स्लो होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इंडोर रख रहे हैं हमें इतनी जल्दी भी नहीं चाहिए कि हमारा प्लांट जो है बढ़ता रहे, तो इस वजह से जो है इसकी ग्रोथ भी थोड़ी स्लो होती है। और कुछ लोग जो हैं अपने इस पानी के अंदर कहते हैं कि आप जो है इसके अंदर थोड़ा सा एग शेल डाल सकते हैं अगर चाहें तो क्रश करके, तो एज ओवर द टाइम जो है वो एग शेल्स कैल्शियम पानी में रिलीज करता रहता है और एज अ फर्टिलाइजर इनको सप्लाई करता रहता है। लेकिन अगर आप चाहें कि आपने अपने प्लांट को फर्टिलाइज करना है तो आप एनपीके का सोल्यूशन भी बना सकते हैं और उसके 2-3 स्पून्स टीस्पून्स जो वो सोल्यूशन है आप अपने पानी में ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंटेनर। तो इससे जो है इनको एनपीके भी मिलता रहेगा। लेकिन मैं पर्सनली कुछ भी नहीं डालती हूँ इनके पानी में, ये बस ऐसे ही ग्रो होते रहते हैं। और जो सबसे अच्छी और बेस्ट टिप इनके हेल्दी ग्रोथ के लिए है वो है इनको मिस्ट करते रहना। आप तो जानते ही हैं कि मनी प्लांट को जो है मिस्टिंग बहुत अच्छी लगती है, तो एज एंड व्हेन जब भी आपको टाइम फ्री मिले तो आप अपने प्लांट को मिस्टिंग करते रहा करिए। दिन में एक बार अगर आप इनको मिस्टिंग कर दें, यानी जब ड्राई सीजन रहता है स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स एंड विंटर्स जब ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं रहती एनवायरमेंट में, तब इनको मिस्टिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है ऑन अ डेली बेसिस। लेकिन अब जैसे मॉनसूनस आ गए हैं आपको मिस्टिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हवा में बहुत नमी है। मिस्टिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है मनी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए फ्रेंड्स। इससे जो है आपके प्लांट को ह्यूमिडिटी भी मिलती रहती है और साथ ही साथ जब आप मिस्ट करते हैं फ्रेंड्स तो इनके लीव्स के ऊपर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी अपने आप हट जाती हैं, यानी साफ हो जाती हैं। तो इस तरह आप अपने प्लांट को रेगुलर मिस्ट करते रहा करिए फ्रेंड्स। और फिर देखिए कि आपका मनी प्लांट जो आपने पानी में ग्रो किया है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है, हेल्दी और हैप्पी दिखाई देगा और साथ ही साथ आपके घर को भी 4 चांद लगा देगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा क्योंकि ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है तो आपने तो जरूर ही जरूर इस प्लांट को अपने घर के अंदर लगाना ही है। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जरूर इसे एक लाइक दे दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।